learn about articles. So let's start articles. An article is an adjective. Like adjectives, article modify nouns. Article हमारे एक adjective ही हैं. Adjective की तरह articles भी nouns को modify करते हैं. A, an and the are called articles. ये हम सबको पता है कि a, an और the हमारे articles कहलाते हैं. A and an are called indefinite articles. The is called definite article. A और an हमारे indefinite articles कहलाते हैं बेटा. और वो कहाँ यूज होते हैं? यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मीन्स जिसे हम, जो सिंगल है और जिसे हम काउंट कर सकते हैं. लाइक अ बुक, अ टेबल, एन एप्पल, एन एक्सरे, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है. तो इनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं? ए और एन. डेफिनेट आर्टिकल द. द इज़ यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन्स. द जो है हमारा वो डेफिनेट नाउन के आगे यूज होता है, यानी कि किसी खास चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कोई चीज़ के बारे में हम बात करें, तो उसके लिए आगे हमारा क्या यूज होता है? आर्टिकल द. लाइक द बॉय हैव कम. जिस बॉय की मैं बात कर रहा था वो बॉय आ गया है. द वर्ड ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. We can use them with singular nouns to talk about any singular person or thing. A और an हमारे indefinite articles होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये हमारे singular noun के आगे use होते हैं जब भी हम किसी के बारे में, single person या किसी single thing के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमारे article A और an का use होता है. Deciding which indefinite article to place in front of word depends upon the initial sound of the word, not the first letter of the word. वो कह रहे हैं बेटा कि ये जो हमारा, हमें decide करना है कि जो word हम बोल रहे हैं उसकी opening sound क्या कहती है. जो हमारी बेटा कोई भी हम word use करें उसका जो opening sound होगा, यानी कि वो जिस sound से हम लोग बोलेंगे उस word को, वो decide करता है कि उसके आगे हमारा a लगेगा या an लगेगा. ठीक है, ना कि फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर कभी भी हमारा डिसाइड नहीं करता. ये हमारा ओपनिंग साउंड, वर्ड की ओपनिंग साउंड डिसाइड करती है कि इसके आगे हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा. ए इज यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए जो हमारा है बेटा वो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे यूज होता है. और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी हमारे वर्ड्स कहलाते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं हमारे. और ये ए जो है उन कॉन्सोनेंट साउंड के आगे यूज होता है, कॉन्सोनेंट लेटर के आगे नहीं. ठीक है बेटा. अ मैन, अ हैट, अ लैम्प, अ टीचर, अ कैट, अ बुक. द आर्टिकल एन शुड बी प्लेस्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड. द इनिशियल साउंड शुड बी ए, ई, आई, ओ और यू. जो हमारा एन है ना बेटा वो हमारा वोवल साउंड से पहले यूज होता है. जहाँ हमें वोवल की साउंड आ रही होती है बेटा, वहाँ हमारा एन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एग, एन आइलैंड, एन आर्टिकल, एन अम्ब्रेला, एन आर. समटाइम्स एन इज फाउंड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर एच. साइलेंट एच एन इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स. कुछ टाइम ऐसा भी होता है बेटा जब हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे एच से स्टार्ट होते हैं और उनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन. क्यों लगाते हैं एन? क्योंकि वो एच वहाँ पर साइलेंट होता है. वो वोवल की साउंड देता है लेकिन वो वहाँ पर एच जो है वो साइलेंट होता है. जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, एन आर. ये आर है बच्चों, ये हावर नहीं है. ये साउंड किसकी दे रहा है? आर. आ की साउंड दे रहा है ना, तो ये वोवल की साउंड दे रहा है. मैंने अभी आपको बताया ना, हमें ओपनिंग साउंड को देखना होता है. कोई भी हमारा जो वर्ड होगा उसका हम ओपनिंग साउंड देखेंगे कि वो ओपनिंग साउंड क्या दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ए और एन का यूज करते हैं. अब ये क्या साउंड दे रहा है? आर. ये हावर नहीं है. नेक्स्ट, ऑनर. हॉनर नहीं है बेटा ये, तो इसीलिए ये ओ की साउंड दे रहे हैं, ओ. तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे? एन. और भी एग्जाम्पल है, an ear, an earroom, an early, an honorarium, an honesty, an honorary.
A must be used before words which begin with a vowel symbol pronounced with the same sound as the Y or W, like sound. अब बेटा A जो है हमारे ऐसी भी जगह यूज होते हैं जो कि जो हमारे वॉवल्स होते हैं ना वो सिंबल तो देते हैं वॉवल की, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन जब हम उनकी करते हैं तो उसमें वॉवल की साउंड उनकी नहीं आती है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। अ यूरो, देखिए इसकी स्पेलिंग देखिए, ई यू आर ओ, ये वर्ड हमारा ई से स्टार्ट ज़रूर हो रहा है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, यूरो, य की साउंड दे रहा है, यानी कि वाई वाई यहाँ हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, ए। तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि जैसे अगर हमारा कोई भी हम ओपनिंग साउंड को देखते हैं, हम लेटर को नहीं देखते हैं, तो इसीलिए देखिए यूरो के अंदर वाई की साउंड आ रही है, ई की साउंड नहीं आ रही है, ए की साउंड नहीं आ रही है, इसलिए हमने इसके आगे एन नहीं लगाया, इसके आगे हमने अ लगाया। लाइक अ यूनिसाइकिल, अ यूनियन, अ यूनिक, अ यूनाइटेड, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजर, अ यूनिकॉर्न, इन सब के आगे देखेंगे बेटा यू की आवाज़ जो है वो साउंड जो है वो य की दे रहा है, य की, ना कि अ की, इसीलिए इन सब के आगे हम क्या यूज करेंगे, अ। वी यूज एन बिफोर एब्रीविएशंस दैट बिगिन विद वोवल साउंड। फॉर एग्जाम्पल बेटा जो एब्रीविएशंस हम लोग यूज करते हैं, कुछ ऐसे एब्रीविएशंस भी होते हैं जो कि वोवल की साउंड देते हैं, तो उनके आगे भी हम क्या यूज करते हैं, एन। लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एन एम ए, देखिए बेटा एम ए, बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को, एम ए, ए की साउंड पहले आ रही है एम ए, और म की साउंड बाद में आ रही है, तो पहले की ओपनिंग साउंड क्या हो इसमें, ए, तो ए, ए हमारा क्या हुआ, वोवल, तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, एन। और भी एग्जाम्पल है, एन एम एस सी, एन एम बी बी एस, एन एम एल ए, एन एन सी सी ऑफिसर, देखिए एन, एन में भी ए की साउंड पहले आ रही है और न की साउंड बाद में आ रही है, तो हमने क्या देखा, ओपनिंग साउंड वो क्या है, ए, तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया बेटा, एन। एन एम कॉम, एन एम सी ए, एन एम बी ए। नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल्स इज यूज बिफोर द सिंगुलर प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है बेटा वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के आगे लगता है, लेकिन वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ही होता है। द सिग्नल दैट द नाउन इज डेफिनेट दैट इज रेफर टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप। जब भी हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं और उसके अंदर कोई खास मेंबर के बारे में बात करें तो वहां हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि द डॉग दैट बिट मी रन अवे, उस डॉग, वो डॉग भाग गया जिसने मुझे काटा था। तो डॉग्स तो बहुत सारे हैं, हम बोल सकते हैं दीज आर डॉग्स, दिस इज अ डॉग, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, अ, है ना। तो क्यों लगाया दिस इज अ डॉग में, क्योंकि वो सिंगुलर डॉग की बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ द क्यों लगा, क्योंकि एक ऐसे खास स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है जिसने मुझे काटा, है ना, तो जिसने मुझे काटा वो डॉग भाग गया, तो एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात हो रही है ना, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगाया हमने, द। मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ बेटा, एग्जाम्पल है दिस इज अ पेन, नॉर्मल दिस इज अ पेन, क्योंकि वो पेन सिंगुलर है, हमने क्या लगाया, अ। लेकिन अगर मैं इस चीज के लिए बोलूँ दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन विच माई फादर गेव मी, अब ये पेन क्या मैंने क्या लगाया इसके आगे, दिस इज द पेन, क्यों लगाया पेन के आगे द, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पेन बन गया, ये एक स्पेशल पेन बन गया, एक खास पेन बन गया, जिससे कि मैंने, जिसके लिए मैंने बोला कि दिस इज द पेन विच माई फादर गेव मी, जिसे मेरे पापा ने मुझे दिया था, तो जो पापा ने मुझे दिया था, मेरे फादर ने मुझे वो दिया था, तो वो क्या बन गया, स्पेशल पेन बन गया, कुछ खास पेन बन गया, इसीलिए हमने उसके आगे क्या लगाया, द। द इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्काई, द हमारा किसी यूनिक ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी यूनिक ऑब्जेक्ट जो कि जिसकी कोई रिपीटेंस नहीं है, उसके आगे भी क्या यूज होता है हमारा, द, लाइक द सन, द मून, द स्काई, द वर्ड, एंड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, रिवर्स, ओशियन, डेजर्ट। हमारे जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द, लाइक द गंगा, द सहारा,
the Pacific Ocean. Third, before the names of the book. जो हमारी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं बेटा, होली बुक्स होती हैं, तो उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? द बाइबल, द रामायण, द कुरान. वी यूज द वेन वी नो दैट देर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट, वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स. हमें अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी हमें चीज़ के बारे में पता हो कि उसके जैसी चीज़ ऐसी कहीं कहीं दोबारा नहीं मिलेगी, जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर थिंग है उसी के लिए हमने एक ही चीज़ है, दोबारा उसकी रिपीटेंस नहीं होगी, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? द, जैसे कि द स्काई, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल. ठीक है बेटा, आई होप कि आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. थैंक यू फॉर टुडे. बाकी की एक्सरसाइजेज मैं आपको दूंगी, वो एक्सरसाइजेज आपको करनी होंगी.